हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी डॉट कॉम में आप सबका स्वागत है। आज हम अगली ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है टेस्टीज या व्रसन। टेस्टीज या व्रसन, देखो व्रसन जो होते हैं वो केवल नर में पाए जाते हैं। नर में ये पाए जाते हैं और ये होते कहाँ हैं? ये होते हैं उदर गुहा के बाहर, पैल्विक रीजन में ये पाए जाते हैं। पैल्विक रीजन में, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं और जिस संरचना में पाए जाते हैं उसे स्क्रॉटल सैक कहते हैं। स्क्रॉटल सैक या हिंदी में कहें इसे व्रसन कोश। तो व्रसन जो होते हैं वो नरों में पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर स्क्रॉटल सैक या व्रसन कोश में पाए जाते हैं और ये एक जोड़ी होते हैं, एक पेयर होते हैं, एक जोड़ी यानी कि संख्या में ये दो होते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हैं तो हम इसकी स्ट्रक्चर को न पढ़कर हम इसके जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो रूप है, ये कैसे कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है और क्या काम करता है, हमें उस पर डिस्कस करना है। तो ये जो व्रसन जो होते हैं एक जोड़ी होते हैं, ठीक है, उदर गुहा के बाहर स्क्रोटल सैक में ये पाए जाते हैं। ये जो है व्रसन या टेस्टिस जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टीज जो होते हैं वो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। कैसे होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? क्योंकि ये मेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। और मेल गैमेट होता कौन सा है? वो होता है स्पर्म। तो मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण यहाँ होता है, इसीलिए ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा इसको इसका एक और कार्य है, ये प्राथमिक लैंगिक अंग तो है ही है, इसके साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी कार्य करता है। टेस्टीज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का भी कार्य करता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है जो सीधे ब्लड में डाल दिए जाते हैं और उनका कोई निश्चित फंक्शन टारगेट कोशिकाएं होती है। तो इस तरह ये एंडोक्राइन नेचर के भी होते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ही है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है तो किस तरीके से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहले बात करें अगर इस टेस्टिस के सेक्शन की, अगर इसका सेक्शन देखा जाए तो इसके सेक्शन में कुछ इस तरीके से बहुत सारे ट्यूबल्स होते हैं, नलिकाएँ पाई जाती है। अगर हमने जब टेस्टीज पढ़ेंगे तब उसकी डिटेल्स में हम इन चीज़ों को और समझेंगे कि ये जो नलिकाएं हैं ये कहलाती है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, शुक्र जनन नलिकाएं। ये है शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये जो अभी मैंने तीन बनाई हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, इन्हें कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ये होती है शुक्र जनन नलिकाएं, इन्हीं के अंदर स्पर्म या मेल गैमेट का निर्माण होता है। इन शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर या यो जो बीच का जो खाली भाग है वहाँ पर इंटरस्टिशियल टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनमें जो सेल्स पाई जाती है उन सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। चूँकि ये बीच में है, इंटर यानी कि होता है बीच में, मध्य में, तो इन ट्यूबल्स के बीच में ये पाई जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स या हिंदी में इन्हें कहते हैं अंतराली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं की खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो था लीडिंग। इसीलिए इन्हें लीडिंग सेल्स भी कहते हैं,
इन कोशिकाओं को लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि ये इनके सेक्शन को अगर देखें तो उसमें बहुत सारी शुक्रजनन नलिकाएं हैं, और इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाती है। और इन कोशिकाओं को खोजने वाला जो व्यक्ति था वो था लीडिग, इसलिए इन्हें लीडिग सेल्स भी कहते हैं। और यही कोशिकाएं जो है वो मेल हार्मोन एंड्रोजन का सिक्रेशन करता है। ये जो सेल्स है ये ही एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है। एंड्रोजन ही जो है वो मेल हार्मोन कहलाता है। मेल हार्मोन एंड्रोजन्स का सिक्रेशन ये इंटरस्टिशियल सेल्स ही करती है। एंड्रोजन्स में भी बहुत सारे एंड्रोजन्स होते हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण एंड्रोजन या जो प्रिंसिपल हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन ये प्रिंसिपल एंड्रोजन है। इन एंड्रोजन्स में सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख हार्मोन है, प्रिंसिपल यानी होता है प्रमुख, ये क्या है प्रमुख हार्मोन है। एंड्रोजन्स जो होते हैं वो स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। एंड्रोजन्स कैसे होते हैं, स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं, यानी कि अगर इनकी केमिकल नेचर देखें तो ये कैसे होते हैं, स्टेरॉयड प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य में जो रिक्त स्थान है, बीच में जो खाली जगह है इनके, उसे वहाँ पर पाई जाती है इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये सेल्स ही मेल हार्मोन एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करती है, जिनमें महत्वपूर्ण एंड्रोजन जो है, प्रिंसिपल एंड्रोजन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इन हार्मोनों के सिक्रेशन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। अगर इन इनके कंट्रोल की अगर बात करें कि इन इंटरस्टिशियल सेल्स को कंट्रोल करता कौन है, तो इन्हें करता है ICSH हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, IC इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, ये दो वर्ड तो इस अंतराली कोशिका से ही है, इंटरस्टिशियल सेल, और SH से है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन सीक्रेट कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि का भी जो अग्रपिंड है उससे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां से सीक्रेट होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी इसके लिए प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो है LHRH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। तो हमने इसका कंट्रोल भी समझ लिया कि आखिर ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स जो एंड्रोजन सीक्रेट कर रही है ये किसके प्रभाव में कैसे कंट्रोल होता है। तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन LHRH, ये अग्रभाग किसका, पीयूष ग्रंथि का, उसको प्रेरित करता है जिससे ICSH सीक्रेट होता है, और वो इस हार्मोन के नियंत्रण का, रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इस हार्मोन के कार्य क्या क्या है। ये जो टेस्टोस्टेरोन्स या जो एंड्रोजन्स है, इन एंड्रोजन्स का मानव में क्या कार्य है, मेल में क्या कार्य है, तो याद रखना इसके पांच महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। पांच महत्वपूर्ण कार्य है, और पांचों के पांचों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण कार्य इनका टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स का, कि ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का निर्धारण करते हैं। ये हमारे जो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं मनुष्य में, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये है चेहरे पर बालों का आना,
जैसे नर जो होते हैं, मानव जो मनुष्य जो होते हैं उसमें नर जो होते हैं, उन नरों के चेहरे पर दाढ़ी और मूछ पाई जाती है, जबकि महिलाओं में ये नहीं पाई जाती। तो ये इस टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव में ही होती है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 10-12 साल तक की उम्र के, ठीक है, उनमें चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं आती है, उनकी आवाज़ भी पतली होती है, उनकी मांसपेशियाँ भी जो है वो कोमल होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो एक प्यूबर्टी एज में आते हैं, जैसे ही वो 13-14 की एज में आते हैं, जिसको हम प्यूबर्टी एज कहते हैं, इस प्यूबर्टी एज में आते ही इन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है तेजी से, और उसके प्रभाव से उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ का आना चालू हो जाता है, और उनके जो मांसपेशियों का विकास होना शुरू हो जाता है, आवाज़ भारी होने लगती है। तो इनका दूसरा जो कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो है आवाज का भारी होना, भारी आवाज। ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो मेल्स में ही होता है, फीमेल्स की आवाज़ जो है वो पतली होती है। और इसके पीछे कारण क्या है भारी आवाज़ का होना, इसके पीछे कारण है कि जो हमारी जो पिच या फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लो होती है। तो आपको ध्यान रखना है लो पिच, मेल्स की जो वॉइस होती है उसकी पिच कैसी होती है, लो होती है। लो होती है तो उनकी फ्रिक्वेंसी भी लो होती है, आवृत्ति जो होती है वो भी लो होती है, तो पिच भी लो होती है, इसीलिए आवाज़ भारी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी में ये मेंशन है लो पिच वाली बात, तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि मेल्स की पिच लो होती है या फीमेल्स की होती है, ये कन्फ्यूज आपको रहेगा, ध्यान रखना। मेल्स की आवाज़ भारी होती है लेकिन पिच लो होती है, फ्रिक्वेंसी लो होती है, ठीक है। इसी तरह मांसपेशियों का विकास, बलिष्ठ होना, एक तरह से मैं हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है बलिष्ठ होना। मांसपेशियाँ ज़्यादा विकसित होती है, कंधे चौड़े होते हैं, जबकि महिलाओं में ऐसा गुण कम होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और अलग कैरेक्टर है, एग्रेसिव या गुस्सेल प्रकृति का होना, एग्रेसिव, एग्रेसिव नेचर होती है, एग्रेसिवनेस का पाया जाना जो है वो भी इस एंड्रोजन हार्मोन द्वारा ही निर्धारित होता है। महिलाओं की तुलना में पुरुष जो होते हैं ज़्यादा गुस्सेल प्रकृति के होते हैं, क्रोध ज़्यादा आता है, उसके पीछे कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है, ठीक है। तो ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, इनका निर्धारण किससे होता है, एंड्रोजन्स द्वारा होता है। पहला कार्य हमने देख लिया, दूसरा कार्य वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया का निर्धारण करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को रेगुलेट ये ही हार्मोन करते हैं। स्पर्म ये यहाँ जो क्रिया, ये शुक्र जनन नलिकाएं जो है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रियाएं लगातार चलती रहती है, और उसका कंट्रोल, उसका रेगुलेशन यही इसी एंड्रोजन हार्मोन द्वारा ही होता है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तीसरा इनका कार्य, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो टेस्टिस है, लेकिन इसके अलावा और भी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन सब के एसेसिव जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उन सब के डेवलपमेंट, उनका मैच्यूरेशन और उनके फंक्शन, उनका जो कार्य है, उनका विकास, उनका परिवर्धन, मैच्यूरेशन और उसके कार्यों का रेगुलेशन करते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट, ठीक है। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कौन कौन से एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस के अलावा जो होते हैं उन्हें कहते हैं, वो है एपिडिडाइमिस, इसके अलावा वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके अलावा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, इन सब के विकास, उनका परिवर्धन और उनके कार्यों का रेगुलेशन, नियमन इन्हीं हार्मोनों द्वारा होता है। तीन कार्य हमने डिस्कस कर लिए,
चौथा भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यह जो हार्मोन है वो मानव के नर के लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण करते हैं। हमारी जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है उन सब का कंट्रोल एंड्रोजन्स द्वारा होता है, जिसे हम लिबिडो कहते हैं। ये शब्द भी आपको याद रखना है, लिबिडो, ये लिबिडो को कंट्रोल करते हैं। शॉर्ट में हम इसे एक शब्द में, टेक्निकल वर्ड है इसके लिए लिबिडो, तो ये हार्मोन्स लिबिडो का कंट्रोल करते हैं। लिबिडो हमारे जो लैंगिक व्यवहार जो होते हैं, ठीक है, जो मेल फीमेल एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए सेक्सुअल डिजायर्स जो होती है, उन सब का कंट्रोल इन हार्मोन्स द्वारा होता है, एंड्रोजन्स द्वारा इनका कंट्रोल होता है। तो लिबिडो आपको ध्यान रखना है, इनका कंट्रोल कौन करता है? एंड्रोजन्स। लिबिडो का कंट्रोल एंड्रोजन्स करते हैं। चार कार्य हो गए, पांचवा कार्य ये जो है वो एनाबॉलिक नेचर का होते हैं ये हार्मोन, एनाबॉलिक। जैसे मेटाबॉलिज्म जो होती है ना, उपापचयन, उपापचयन में दो प्रकार का होता है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई बड़ा अणु टूटकर छोटे अणुओं में बदलता है, और एनाबॉलिज्म क्या होते हैं, छोटे अणु मिलकर बड़े अणु बनाते हैं। तो ये एनाबॉलिक नेचर के होते हैं, यानी कि संश्लेषणात्मक, एक तरह से ये संश्लेषण में मदद करते हैं, सिंथेसिस में, विशेषकर किसका, ये विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण को ये रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, एनाबॉलिक नेचर के होते हैं। तो हमने एंड्रोजन्स के पांच महत्वपूर्ण कार्य देखे, ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सहायक जनन अंग जो होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनका मैच्योरेशन और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है उसे कंट्रोल करते हैं, जिसे लिबिडो कहते हैं, और ये एनाबॉलिक नेचर के होते हैं। ये हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आज हमने मेल में जो एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है टेस्टीज, ये केवल मेल्स में है, उसको हमने डिस्कस किया। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।